क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। पाकिस्तान के टॉस जीतकर बैटिंग एक विकेट के नुकसान पर 33 रन बना लिए। कौमी टीम में दो तब्दीलियां, हसन अली की जगह वसीम जूनियर, उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज शामिल। पिच अच्छी लग रही है, ज्यादा रन करने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी तवज्जो आज का मैच जीतने पर है। फील्डिंग और बॉलिंग में खास तवज्जो की जरूरत है। सब खिलाड़ियों के साथ मिलकर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कप्तान बाबर आजम। वर्ल्ड कप मैचेस में प्रोटीज को ग्रीन शर्ट्स पर बढ़तरी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 5 बार आमने सामने आई। 3 मैचेस में जनूबी अफ्रीका को कामयाबी मिली, 2 में जीत पाकिस्तान ने अपने नाम की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास शुरू। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत का जायजा। साबिक शर्मा नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ मिसकंडक्ट के शिकायत पर भी गौर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इजलास में शरीक। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तायुन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल। कमेटी तयशुदा TORs के तहत फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान और हैंडलर्स का तायुन करेगी। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट। साइफर केस चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अखराज मुकदमे की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन PTI के ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अमरीका का पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात शफाफ और तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ होने पर जोर। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। अमरीकी कायम मकाम नायब वजीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड की निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जुलानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की अफगान पनाह गजीनों की अमरीका रवानगी को महफूज बनाने पर भी बातचीत। गजा में इमदाद जारी रखने और बहरान को फैलने से रोकने के उमूर पर इत्तफाक। गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा। निहत्ते फलस्तीनी इसराइली जारहियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 7,000 से जायद हो गई। 3,000 से जायद बच्चे, 1,700 खवातीन शामिल, 18,000 जख्मी। गजा में अलवफा अस्पताल के करीब बमबारी। हिज़्बुल्लाह का हमास के हिमायत से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े भी हमास की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकते। लिबनान की मुज़ाहमती तंजीम का दो टोक ऐलान। 20 रोज के दौरान इसराइल लिबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजियों को हलाक किया गया। लिबनानी मीडिया का दावा। 7 अक्टूबर से जारी ऑपरेशन अलक्सा तूफान में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 309 हो गई। 224 अफराद ताहाली अरगमाल। हमास के इसराइल के शहर तेल अबीब समेत मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले जारी। 1,25,000 से ज्यादा इसराइली आबादकार शुमाल से जनूब में मुंतकिल। दुनिया इसराइली मुजालिम पर खामोश है। फलस्तीनी बच्चे आग में जल रहे हैं, उनको बचाना इंसानियत का तकाजा है। मुसलमान मस्जिद अक्सा के महाफिज और किबला अव्वल के पासवान हैं। मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। गजा को दोबारा आबाद करने के लिए इकदाम किए जाएं। सिराजुल हक का रैली से खिताब। हमास इसराइल जंग। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। डीजल 109 से $117 फी बैरल में दरामद होने लगा। गुज़श्ता 9 रोज में पेट्रोल 89 से $92 फी बैरल तक दरामद हुआ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने पर गौर। नई कीमतों का ऐलान 31 अक्टूबर को किया जाएगा।
और रियासत जम्मू और कश्मीर पर भारत के फौजी कब्जे के 76 बरस मुकम्मल। आज कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। भारतीय काबिज फौज के मुजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। कश्मीरियों का भारतीय जुल्मो जबर के खिताम तक जदोजहद जारी रखने का आज़म। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के बाद भारत ने डोगरा राज के साथ मिलकर कश्मीरी मुसलमानों की नस्लकुशी की। अब तक 2,37,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं।